जय हिंद डज नॉट आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट प्लीज एडजस्ट द टेलीप्रॉम्प्टर थैंक यू ओके नाउ बैक टू डिस्क्लेमर जय हिंद डज नॉट एंड विल नेवर एंटरटेन फेक गॉड मैन साधुस और स्वामीज However, we have nothing against the great Swami Nityanand. As according to us, he is the only mortal who can take people closer to God through the pleasurable path of fornication. We therefore request all our hot young female viewers to fill in this special contract. special contract. Both sides. In this contract, we have mentioned how they can meet and touch God by having regular, hot, and wild intercourse with the great Swami Nityanand without uttering a single word to their daddies. And for ladies who are lesbians, We are still working on how they can meet and touch Goddess by, of course, copulating with the great Swami Nityanand. Jai Hind. हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए हो परदेसी परदेसी जाना नहीं परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के गाना तो गाना ही पड़ेगा भैया यशराज वाले शोएब सानिया नाम की फिल्म जो बनाना चाहते हैं आई नो इसमें क्रिकेट है टेनिस है पॉलिटिक्स है क्रॉस बॉर्डर टॉक्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शादी भी है बट आई एम सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया सानिया पाकिस्तान जो चली गई अमन की आशा प्रोग्राम को सानिया ने सीरियसली लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के सस्पेंडेड और बैंड क्रिकेट कैप्टन शोएब मलिक से निकाह कर लिया है शर्म आनी चाहिए हमारी लड़की वहां गई तो ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है और उसकी दूसरी बेगम बन गई है आइए सानिया से उसका हालचाल जान लेते हैं हाय सानिया हाउ आर यू हाय सुमित सॉरी मैं तुम्हारी माय नेम इज खान अभी तक नहीं देख पाई मैं शादी की तैयारी में ना थोड़ा बिजी थी और उसके बाद उस आयशा सिद्दीकी ने मुझे और शोएब को परेशान करके रख दिया वैसे मैंने पाकिस्तान पहुंचते ही खान जनरल स्टोर से माय नेम इज खान की पायरेटेड डीवीडी खरीदी थी पर जब चलाई तो वो उस खान जनरल स्टोर वाले की फैमिली हिस्ट्री पे बनी एक डॉक्यू ड्रामा निकला पर तुम चिंता मत करो मैं नेट से डाउनलोड कर लूंगी टेक योर टाइम सानिया मैंने तो बस तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया था How was your reception in Pakistan? पूछो मत यहाँ भी austerity drive चल रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि रिसेप्शन में सिर्फ एक ही डिश परोसी जा सकती है अरे अरे हाँ मतलब इंडियन शादियों में दिखावे के चक्कर में कितना खाना वेस्ट होता है ये तो बहुत ही अच्छा रूल है पाकिस्तान गवर्नमेंट का वाह 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 क्या खाक रूल है सुमित
ये सच है कि यहाँ एक ही डिश परोसी जाती है, पर उस डिश की इतनी क्वांटिटी होती है कि 5 इंडियन शादियों का रिसेप्शन हो जाए, और यहाँ लाइट का भी बहुत टेंशन है। लाइट आती नहीं है और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि शादियों में बेवजह लाइट वेस्ट ना की जाए। अब तुम ही बताओ, शादियों में लाइट की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इंडिया से मेरे कुछ रिश्तेदार रिसेप्शन के लिए आए थे, बेचारे रिसेप्शन अटेंड ही नहीं कर पाए। सुबह होने पर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें गड्ढों और नालियों से निकाला गया। बिल्कुल अंधेरे में तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, पता चला कि बेटी की जगह माँ से निकाह हो गया। हाँ, ऐसा कितनी बार हुआ यहाँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा निकाह इंडिया में ही हो गया था। अच्छा सानिया, सानिया किससे इतनी बातें कर रही हो? इंडिया से फोन आया है। ओए इंडिया से आया कोई भी फोन मत उठाओ, मैंने एक बार उठाया था 15 करोड़ का चूना लग गया। अरे घबराओ मत शोएब, ये तो सुमित जी है, जय हिंद वाले। सानिया तुम भूल रही हो, अब तुम पाकिस्तान में हो, यहाँ जय हिंद की कोई जगह नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हारा बेडरूम में इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। नो लाइट नो एंट्री इन द बेडरूम। ये क्या बात हुई, बेडरूम में हम दोनों को लाइट की क्या जरूरत है? अब शोएब एक मिनट, अगर वहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम है तो तुम लालटेन क्यों नहीं जला लेते? ओ यारा, यहाँ हर फैमिली को तेल एक फिक्स्ड क्वांटिटी में मिलता है, और हर बार कितना अब्बा हुजूर सारा तेल अपनी लालटेन में डाल के ले जाते हैं। अम्मी भी बिना लाइट के अब्बा हुजूर को बेडरूम में एंट्री नहीं देती ना। ओके ओके ओके, एनीवे ऑल द बेस्ट शोएब एंड सानिया, लेट मी टॉक टू आवर प्रोड्यूसर्स, अगर हम तुम्हें कुछ तेल इंडिया से भेज सके तो कोशिश कर। आई मीन ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई तेल जल्दी भेजना, हैं? शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा निकलने से पहले भेज देता हूँ। अभी बाकी है खोदना नॉनसेंस के पहाड़, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इस बार भारत सरकार बायोमेट्रिक सेंसस करा रही है, मतलब 15 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सब लोगों का फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ लिया जाए। और बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि नो प्रॉब्लम, अब हम फिंगरप्रिंट के साथ बायोमेट्रिक राशन कार्ड बना के वोट करेगा। हमारा तो यही प्लान है, उंगली दो तो हाथ पकड़ने का। पर इस बायोमेट्रिक सेंसस का गहरा असर पड़ेगा देश पर। आज से सालों बाद मतलब 2025 में माफिया डॉन अपने हिटमैन को कहेंगे कि अरे उस मर्डर करने को शशिकांत को भेजना, उसका बचपन में वो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं लिया था, वो बिना ग्लव्स के मर्डर बा करेगा तो भी कंप्यूटर बोलेगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। वैसे इस महान सेंसस की शुरुआत हुई 1 अप्रैल को, यानी फूल्स डे को, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग से। अप्रैल 1 का प्रतिभा ताई से क्या कनेक्शन है ये हम नहीं जानते, बट ऑब्वियसली दे थॉट शी वाज द मोस्ट सूटेबल फॉर द ओकेजन। अमर सिंह इन दिनों आसाम से राज्यसभा की सीट ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है अगर वहां नहीं मिली तो ढाका से प्रयास करेंगे। सुना है कम्युनिस्ट पार्टी अपना इलेक्शन सिंबल बदलना चाहती है, वो चाहती है कि लाल झंडे की जगह अब वो सफेद नूडल्स हो जाए। आई टोल्ड यू दे लाइक चाइनीज। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले दिनों कहा कि कंपिटेंट लोग नितिन गडकरी के टीम से बाहर है। अगर ये सच है तो अगला चुनाव भी बीजेपी हारेगी, और अगर बीजेपी जीत गई तो शत्रु भैया को एक नई मिनिस्ट्री जरूर मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स। दिन भर रोते रहते वो भी भारी आवाज में, देखिए।
बाद ललित मोदी को जब पूछा गया कि आईपीएल के कारण देश में क्या चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने कहा द फर्स्ट चेंजेस अब हमारी क्रिकेट अकेडमीज में एक्टिंग सिखाई जाए ताकि बाद में मतलब क्रिकेटर्स मॉडलिंग कर सकें। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं गांगुली द्रविड़ और तेंदुलकर एड्स में कितनी वाहियात एक्टिंग करती है, बट वो अब वापस नहीं होगा। हाँ, सेकंड चेंज ये है कि अब एक्टिंग एकेडमीज में बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है ताकि बाद में वो आईपीएल की टीम्स खरीद सकें। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार करीना कपूर इज लाइक फ्रेश एयर इन पाकिस्तान। सोचिए किस तरह की हेडलाइन है, मतलब करीना कपूर इज लाइक फ्रेश एयर इन पाकिस्तान। लगता है इंडियन आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कांटे नहीं एयर प्यूरिफायर लगाए हैं, जो हवा यहां स्टेल होती जा रही है वो वहां पहुंचते ही फ्रेश हो जाती है। प्रियंका चोपड़ा को पिछले दिनों नेशनल अवार्ड मिला। हमारे नेशनल अवार्ड्स इन दिनों इक्वल अपॉर्चुनिटी अवार्ड्स होते जा रहे हैं, ये किसी को भी मिल सकती है और सबको मिल सकती है। एनीवे, प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली शान से ये भी कहा, शान मतलब सिंगर शान से नहीं कहा, शान से ये कहा कि मैंने हॉलीवुड फिल्मों को नो बोला है। मतलब वो बोल तो ऐसे रही है जैसे वहां स्ट्राइक हो गई और स्पील्सबर्ग और से लेकर स्कॉर्सेसी तक सब चिल्ला रहे हमारी मांगे पूरी करो, जब तक प्रियंका नहीं आएंगी हम फिल्में नहीं बनाएंगे। फाइनली एक सर्वे के अनुसार दिल्ली भारत में सबसे सेफ सिटी है। जी जी बिल्कुल, दिल्ली बहुत सेफ सिटी है अगर आप वहां ना रहें तो। इसी मौके पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस, फ्रेंड्स, हमें पता चला है कि ठरकी बाबा नित्यानंद अपने शिष्यों को दीक्षा देने से पहले एक फॉर्म भरवाते थे जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि उनका शिष्य बनने के बाद उन्हें मतलब भक्तों को सेक्स करना होगा और इसके लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वंडरफुल, क्या गट्स हैं बाबा में। ये जानने के बाद ठरकी बाबा की इज्जत मेरे मन में और बढ़ गई। तो स्वागत करते हैं ठरकी बाबा नित्यानंद जी का, वेलकम वेलकम। ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहो, और किसी ने सही कहा है कि करने से होता है। देखो ये सब माया है, इसका जब तक भोग नहीं करोगे तब तक माया जाल से मुक्ति नहीं पा पाओगे। इसलिए भोग करो, संभोग करो, हर रोज करो, करो करो और मौज करो। बाबा आप अपने भक्तों से सेक्स फॉर्म क्यों भरवाते हो? यू नो क्या है कि यहाँ मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग जो है वो हिपोक्रेट्स है, वो सब सेक्स करना चाहते हैं लेकिन ये फॉर्म वॉर्म नहीं भरवाना चाहते। आपको नहीं लगता कि अगर आप उनसे ये सेक्स का फॉर्म अगर नहीं भरवाते तो शायद आपके शिष्यों और भक्तों की संख्या जो है वो चार गुना ज्यादा होती? बिल्कुल सुमित, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बट यू नो ये फॉर्म मेरे लिए एक कंडोम की तरह है। इस फॉर्म की वजह से मैं मजे भी ले सकता हूँ और कानून से प्रोटेक्टेड भी रहता हूँ। मेरे पास तो रंजीता का भी फॉर्म है, सिग्नेचर किया हुआ। अच्छा, ला बच्चा ये देखो कितने सेक्सी सिग्नेचर है। लोग खामखा मेरा नाम लगा रहे हैं कि मैंने उसे बहकाया है, जबकि वो तो है? उसने खुद ही मुझे बहका दिया था। लोग नहीं जानते हैं कि मैं तंत्र सेक्स में बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ।
ना जाने कितने लोगों का मैंने तंत्र सेक्स के द्वारा भला किया है। मेरे तंत्र सेक्स की वजह से स्टूडेंट्स ने IIT में टॉप किया है, बिजनेसमैन ने रिसेशन के समय भी मोटी कमाई की है, फिसड्डी खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल जीत करके आया है, हाउसवाइफ डिस्परेट हाउसवाइफ बन गई। अरे तुम नहीं जानते सेक्स में कितनी पावर है। हाँ बिल्कुल, सेक्स सेक्स मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाने वाली गली का पहला मोड़ है। अच्छा बाबा एक बात बताइए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या संभोग करना जरूरी है? जिस तरह बॉडी बनाने के लिए जिम जाना जरूरी है, उसी तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए संभोग करना बहुत जरूरी है। संभोग के बाद उत्पन्न शांति से कंसंट्रेशन बढ़ता है। मुझे देखो, मैंने रंजीता के साथ संभोग किया और फिर हिमालय तपस्या करने चला। यहाँ इतना बवाल मचा हुआ था और मैं हिमालय की हसीन वादियों में तपस्या रत था। शायद आप इतना गर्म हो गए कि आपको ठंडी जगह जाना पड़ा। आप सच बताइए, तपस्या करने गए थे या पुलिस से छुप रहे थे आप? पुलिस से तो वो छिपता है जिसके मन में चोर होता है। मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे मन में थिरक है, थरक है, थिरक थरक थर। अच्छा बाबा जी ये बताइए, पुलिस को आपके लैपटॉप में पॉर्न पॉर्न फिल्में भी मिली हैं, अगर तपस्या करते हुए भी, मतलब आप क्या पॉर्न फिल्म देखते थे? वो पॉर्न नहीं बल्कि एजुकेशनल फिल्म है। तुम्हें पता है तंत्र सेक्स कैसे करते हैं? नहीं पता है। अब अगर मैं तुम्हें तंत्र सेक्स कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी देने वाली फिल्म दूं तो तुम उसे क्या कहोगे, एजुकेशनल फिल्म या फिर पोर्न? एजुकेशनल। ठीक है तो फिर ये लो। एक और रखो बच्चा, ये फिल्में देखो और इन्हें एक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारी कॉमेडी करने की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, अंदर से परफॉर्मेंस निकलेगी, बढ़ती जाएगी। और अब ये बच्चा फॉर्म भर दो। ये फॉर्म वॉर्म नहीं भरना। ओह तो तुम भी उन हिपोक्रिट्स में से एक हो जो सेक्स तो करना चाहते हैं लेकिन फॉर्म नहीं भरना चाहते। मेरी तंत्र सेक्स की एजुकेशनल DVD मुझे वापस कर दो। लाओ। आप बाबा आप महान। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम फॉर्म नहीं भरते कुछ नहीं सुन सकते। तो रह गया इधर ही। सर आप पैसे अगर किसी को चाहिए फॉर्म तो मतलब भर सकते हैं। वी विल बी राइट बैक। अरे हाँ भाई आ रहा हूँ। वो हमारे जॉय को चाहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक विद सविता भाभी का बेडरूम एडवाइस। हाँ ले भाई भर। बाबा नित्यानंद को सविता से कुछ सीखना चाहिए, बेडरूम की बातें इस तरह पब्लिक में उछाला नहीं करते। वैसे आज सविता भी हमें कुछ बेडरूम सीक्रेट्स बताने वाली है, पर्टिकुलरली अबाउट हर बेड। आई मीन
comes as in walks in. Savita Bhavi. Savita Bhavi, ki sexy solution. Oh, hi, Suvit. आज किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन दे रही हो तुम? Well, आज मैं लोगों को ये बताने वाली हूँ कि ठीक से सोना कैसे चाहिए। क्या बात है? यहाँ तुमसे अच्छा सोने में एक्सपर्ट कौन हो सकता है? Yes, sort of. आज मैं सबको अच्छी स्लीपिंग मैट्रेस कैसे चूज की जाती है उसके बारे में बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग मैट्रेस, इंटरेस्टिंग। देखो सुमित, आइडियली मैट्रेस ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप स्लीपिंग ऑन इट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप स्लीपिंग ऑन इट? हाउ सुमित, हाउ? अरे भाई, साइंस का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सुना क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, बट प्लीज तुम मुझे भैया मत बुलाओ यार। हाँ, जब भी उस मैट्रेस पर आप अपने पति के साथ सोते हो तब मैट्रेस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। क्योंकि जैसे जैसे शादी पुरानी होने लगती है उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सॉफ्ट और लूज होने लगती हैं, विद 33% स्पेस रिजर्व फॉर द वुमन। सैड बट वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन जब आपके पति ऑफिस जाते हैं और आप आपके नए बॉयफ्रेंड के साथ उसी मैट्रेस पर होते हैं तब ऑटोमेटिकली द मैट्रेस शुड बिकम हार्ड एंड फर्म। एंड पर्सनली आई लाइक दिस सेटिंग। और अगर कोई अकेला सोए तो? उसके लिए एक और स्पेशल सेटिंग है जिससे मैट्रेस कभी नरम होती है और कभी सख्त, और साथ में एक स्पेशल पिलो भी होना चाहिए ताकि अकेले सोने वालों को अकेलापन महसूस ना हो। सविता, समलैंगिक लोगों का क्या? उनके लिए भी सेम सेटिंग, ऑब्वियसली सेम सेक्स, सेम सेटिंग। ओह वाव सविता वाव, ऐसे मैट्रेस हमारे दर्शक कहाँ खरीद सकते हैं? ये मैट्रेस तुम्हें मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ मेरे पास इसका टेक्नोलॉजी है। अगर तुम्हें ऑर्डर करना है तो प्लीज अभी कॉल करो सेक्सी ब्रांड्स एट 69696969669। सभी ऑर्डर VPP से भेजे जाएंगे। स्टॉक सी, इसका मतलब होता है स्टॉक लिमिटेड है सुमित, सो जल्दी करो कॉल नाउ। तुमने तो सेक्सी सॉल्यूशंस के साथ टेलीमार्केटिंग भी शुरू कर दिया है। सो गाइस, इफ यू वांट टू एंजॉय योर स्लीप एंड समबडीज वाइफ, ऑर्डर नाउ। सविता, मेरे लिए 3 पैक करना, ओके? ऐसे सुनिए, तुम्हें मैट्रेस की क्या जरूरत है? क्या काउच काफी नहीं है? आई मीन साइकियाट्रिस्ट का काउच। बाय सुमित। बाय सविता, तुम तो नॉटियर बाय द मिनट होते जा रही हो। मतलब आप लोग भी ऐसे कमेंट्स भेजते हो कि शी गेट्स मोर एनकरेज। थोड़ा संयम रखो यार, नित्यानंद बनना चाहते हो क्या?